सब्जी वाला किसान। एक गांव में एक छोटा किसान माधव रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था। वो हमेशा अपने खेत में देसी खाद ही डालता था। उसने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए उसके खेत में काफी कम सब्जियां होती थी, मगर वह सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। वही सब्जियां वह गांव में बेचकर अपना गुजारा भी करता था। एक दिन माधव का दोस्त गगन उससे मिलने आया। माधव, तुम्हारा खेत तो काफी बड़ा है, पर इसमें सब्जियां इतनी कम क्यों है? गगन, मैं अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता हूँ, पर फिर भी फसल कम होती है, न जाने क्यों। लगता है तुमने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं डाले। सुना है उनसे काफी नुकसान होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सभी किसान यही डालकर तो अपनी फसल बढ़ाते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। गगन की बात मान माधव ने भी अपने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने शुरू किए। अब उसकी फसल भी अधिक होने लगी और उसका मुनाफा भी बढ़ गया। एक दिन माधव को घर से फोन आया कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, तह तुम्हारे बेटे ने कोई जहरीली चीज खाई है, इसीलिए यह बीमार हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो घर का ही बना खाना खाता है और सब्जियां भी अपने ही खेत की हैं। ओहो, अब समझा, यह सब रासायनिक खाद की वजह से हुआ है। अब माधव समझ गया कि कीटनाशक और रासायनिक खाद से ही उसका बेटा बीमार पड़ा है। उस दिन के बाद से माधव ने कभी खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। अब वह पहले की तरह ही देसी खाद डालने लगा और फिर से उसके खेत में स्वादिष्ट सब्जियां उगने लगी। सीख: लालच में आकर किसी की सेहत से खेलना ठीक नहीं है। गन्ने का रस। एक गांव में रामकुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। रामकुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? रामकुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई रामकुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना, इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो, देखो मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ, क्या वरना, क्या कर लोगे, मुझे धमकी देते हो। तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूंगा, कैसे नहीं दोगे, अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊंगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। रामकुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है, उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है, कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा, मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या, रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है, जो भी रस गिर जाता है उसे चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है।
हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। लस्सी का ठेला। एक दफ्तर के बाहर एक आदमी गोपाल लस्सी बेचता था। सभी आसपास के दफ्तरों से लोग उसके पास लस्सी पीने आते थे। गोपाल अपने आलस के चलते लस्सी के लिए दही खुद नहीं बनाता था। वो एक दूध बेचने वाले रघु से दही खरीदता था। रघु कभी उसे अच्छा दही देता तो कभी खट्टा दही देता। एक दिन गोपाल ने रघु से कहा, अरे रघु, यह क्या, कल तुमने बहुत खट्टी दही बनाई थी। इस तरह तो मेरे सभी ग्राहक भाग जाएंगे। मुझे मीठे दही से लस्सी बनानी पड़ती है, जरा सुधर जाओ। हाँ हाँ, ठीक है गोपाल, कल से देखना कितना बढ़िया दही बनाऊंगा। रघु खुद भी बहुत आलसी था और हमेशा जल्दबाजी में ही दही जमाता था। एक दिन गोपाल लस्सी बना रहा था। अरे भाई गोपाल, कैसी लस्सी बनाते हो, ऐसी गंदी लस्सी तो कोई नहीं पिएगा। मैं भी अब लस्सी पीना छोड़ दूंगा। छी 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 छी। क्या करूं भाई, बहुत मेहनत से लस्सी बनाता हूं, लगता है अब अपना दही भी खुद ही जमाना पड़ेगा। माफ करना सर। उस दिन के बाद से गोपाल ने रघु से दही लेना बंद कर दिया और अपनी लस्सी के लिए खुद ही दही जमाने लगा। अच्छे दही की लस्सी बनाने के कारण उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। अरे गोपाल, तुम्हारी लस्सी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने दोस्तों को भी कल लेके आऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है गोपाल, देखो आज मेरा दोस्त भी लस्सी पीने आया है, चलो बनाओ लस्सी जल्दी। काश मैं पहले समझ जाता तो मेरा काम पहले से ही काफी अच्छा हो जाता। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक बड़े नगर के पास एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास दो गायें थी। वह बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से दूध बेचने नगर जाता था। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन बिरजू को एक और ग्वाला मिला जो बड़े शहर में अपना दूध बेचकर आ रहा था। अरे बिरजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्या करते हो तुम? मैं पास ही के नगर में दूध बेचता हूँ। कितनी गाय हैं तुम्हारे पास? दो गाय। कब से कर रहे हो यह काम? 2 साल से कर रहा हूँ भाई। तो क्या 2 साल में तुमने कोई तरक्की नहीं की? तरक्की का तो पता नहीं, पर तसल्ली बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता और चैन की नींद सोता हूँ। अरे इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सी गाय हो, तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो? ये सब कौन नहीं चाहता, पर यह संभव कैसे है? अरे देखो, थोड़ा सा दूध लो और उसमें पानी मिला लो, आजकल सब यही करते हैं। आज के जमाने में असली दूध पचता किसको है? हाँ मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, आजकल किसी को असली दूध नहीं पचता। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगा। अगले दिन बिरजू ने भी दूध में पानी मिलाना शुरू किया और नगर में बेच आया। इससे उसने ज्यादा पैसे कमा लिए। अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपए अधिक कमाए, मजा आ गया। और इस तरह लालच में आकर बिरजू दूध में खूब पानी मिलाता और उसे बेचने लगा, पर एक एक करके उसके ग्राहक कम होते चले गए। अरे आज भी दूध बच गया, अब कैसे कमाई करूं? मैं जितना पानी रोज मिलाता हूं उतना ही दूध बच जाता है, पिताजी से पूछता हूं कि क्या करूं। और बिरजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा, इस तरह किसी की बातों में आकर अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहिए, बेईमानी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तुम कल से ईमानदारी से ही अपना काम शुरू करो और बिना मिलावट के दूध बेचो। ठीक है पिताजी। और बिना मिलावट का दूध बेचने के बाद बिरजू के ग्राहक फिर से वापस आ गए। सीख, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। बेवकूफ चोर। एक सेठ जी का आम का व्यापार था।
वो बाग से रोज आम खरीदते और अपनी टोकरियों में पैक करके गोदाम में रखते और थोड़ा थोड़ा कर मंडी में बेचते। उनके दो नौकर थे, चंदू और मंगू। जहाँ चंदू बहुत ईमानदार था, वहीं मंगू बेईमान और लालची था। उसके पास दुकान की नकली चाबी थी, जिससे वो कभी कभी दुकान से आमों की टोकरी चुराता और उन्हें बेच भी देता। चंदू को एक दिन मंगू पे कुछ शक हुआ। सेठ जी, लगता है हमारे गोदाम से कोई आम चोरी कर रहा है। अरे चंदू, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या बात है, मुझे बताओ। सेठ जी, कई बार रात को 10 टोकरी होती थी पर सुबह 9 ही मिलती है। अच्छा, देखना पड़ेगा। सेठ जी, एक दिन आप मुझे अपने गोदाम की चाबी दे दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि वो चोर कौन है। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, चाबी ले लो, पर किसी को मत बताना कि चाबी तुम्हारे पास है। मुझे लगता है ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है। ठीक है सेठ जी। उस रात जब सब अपने घर चले गए, तो चंदू ने चुपके से अपने कुत्ते को गोदाम के अंदर छोड़ दिया और खुद पास ही आम के पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब देखता हूँ कि वो चोर कौन है जो सेठ जी को धोखा दे रहा है। रात को मंगू चोरी के इरादे से जैसे ही गोदाम खोलता है, तो कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। मंगू वहीं गिर जाता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में चंदू पुलिस के साथ वहाँ जाता है और मंगू पकड़ा जाता है। ये लो चंदू, अपना इनाम, तुमने मंगू को पकड़वा कर बहुत अच्छा किया। सीख, चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। प्लीज सब्सक्राइब।